नमस्कार जी, मैं हूं केशव मुल्तानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जिस पर मैं आज आपसे एक ख़ास शख्सियत को रूबरू करवाने जा रहा हूं। हालांकि वो मेरे साथ नहीं हैं, दूसरी तरफ लाइन पर हैं, और जिनका नाम है जनाब गोपी चंद नारंग साहब। इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान जानता है या पाकिस्तान जानता है, इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और ये जनाब आशिक हैं गालिब के, और हम हैं इनके आशिक। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और गोपीचंद नारंग साहब को फ़ोन करते हैं। इंतज़ार कीजिए। सर नमस्कार। केजो क्या हाल है? सर मैं अच्छा। कहाँ से शुरू करें? बलूचिस्तान से। हाँ जी हाँ जी, मैंने वही सोचा हुआ था। तो मैं आगाज़ करता हूँ जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, वहाँ से हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने वालदेन के बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरे वालदेन लाला धर्मचंद नारंग जी, मेरी माँ और टेका भाई, दोन मेरे ददियाल भी सरायकी बोलने वाले थे। अब उसको सरायकी बोला जाता है, और उस वक्त उसको लहंदा कहते थे। जी लहंदा। जी लहंदा के माने है जिस तरफ सूरज डूबता हो, यानी पश्चिम मगरिब वेस्ट। तो गोया कि ये हुई मगरबी पंजाबी, और मशरकी पंजाबी बहुत बाद की चीज है, ज्यादा यही बोली बोली जाती थी। और मुल्तान के एरिया बहावलपुर, रहीम यार खान और ये सारा इलाका, वहाँ इसको मुल्तानी कहते थे। और बाकी शायद चोलिस्तान वगैरह में ये सरायकी कही जाती होगी, मगर पाकिस्तान के बाद अब सब इस जबान को सरायकी कहते हैं। और ये बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है, और इसका गहरा रिश्ता सिंधी से है, और इससे इसके लिखने का एक तरीका इसमें लिंडे में था जी, वो तो ईड़ा उड़ा से लिखे जाते हैं, और गुलाई जिनके हरूफ में होती है बिल्कुल द्रावड़ी असरात जाहिर करते हैं। और द्रावड़ी असरात में जबान की बात कर रहा हूँ, और वालदेन की असरात सारे बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ पुरानी जबानें जो हैं वो इंसानियत की आर्कियालोजी है, तारीख से भी ज्यादा तारीख उनके अंदर खुदी हुई होती है। तो गोया के ननिहाल भी यही जबान बोलते थे, ददियाल भी, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में और इस सारे इलाके में हिंदुस्तानी यानी उर्दू भी बोली और समझी जाती थी। गोया तकरीबन सरहद का इलाका हो या बलूचिस्तान का या बाद में पंजाब का, ये सारे इलाके बाइलिंगुअल थे, पूरा शुमाली हिंदुस्तान बाइलिंगुअल था जी। इलाकाई जबानें भी बोली जाती थी, और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी भी बोली जाती थी, और हिंदी की बोली आगे चल के तो सारी हिंदी की बोलियां हैं, ब्रज है और वो है हरियाणी है और भोजपुरी है जी, मैथिली है, मग्गी है, और खास तौर से अवधी है, जैसी की जबान वगैरह वगैरह जी। वालिद साहब जी संस्कृत भी जानते थे जी, हमें खुद वो गीता सुनाते थे संस्कृत में,
उसके व्याख्या करते थे और पुराण भी, बास पुराण भी मैंने उनकी जबान से सुने। वाह। वालिदा हमारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी पैदाइश के वक्त की यादें बहुत धुंधली हैं। अच्छा। मैं दुक्की में पैदा हुआ, दुक्की जिला लोरालाई। लोरालाई, हाँ, ये हरनाई वगैरह भी इसी में आ जाता है। और ये सारा इलाका खासा वसी है। और मैं जब अब 4-5 साल का हूँगा, जब से मुझे हर चीज याद है, तो 4 साल से तब मैं मूसा खैल में था। ठीक है। वालिद साहब का तबादला हर 4-5 साल में एक तहसील से दूसरी तहसील में हो जाता था। ठीक है। वो ट्रेजरी ऑफिसर थे जी। हम लोग, हमारा खानदान एक काश्तकार खानदान था। अच्छा। मगर ये पंजाब में। ठीक है। लिया जिला मुजफ्फरगढ़, अब तो लिया खुद जिला बन चुका है जी, उस वक्त तहसील था जी। लिया के बारे में मैं अपनी यादें आपको बाद में बताऊंगा जी। इस वक्त बलूचिस्तान की कुछ तस्वीर खींचता हूँ जी। मैं पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ जी, और वादियाँ ही वादियाँ जी। और मूसा खैल में भी, मूसा खैल एक वादी में था, लेकिन उसके दाएं बाएं सब पहाड़ियाँ थी। और पानी की नदी बहती थी और चश्मे भी थे। वाह। और जहां जहां, वैसे बलूचिस्तान सूखा इलाका है, सूखी पहाड़ियां, उनपे दरख्त पेड़ इसलिए नहीं उगते कि बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जहां जहां कोई नदी हो या पानी का इंतजाम हो, वहां पर गुलिस्तान बन जाते थे। वाह। चमन बन जाते थे और बागीचे बन जाते थे, जिनमें हर तरह के, यानी जितना ड्राई फ्रूट बाद में पूरे इस मगरबी इलाके हिंदुस्तान में खाया जाता था, इंपोर्टेड होता था, वो सारा का सारा अफगानिस्तान या बलूचिस्तान के इन इलाकों से आता था। बहरहाल हम, मेरे चाचा, मेरे दादा मतवाल चंद, नहीं मतवाल चंद ढिंगड़ा तो इधर हुए कल्लात में, और वो नवाब ऑफ कल्लात के, यूं समझिए कि वजीर मालियात थे। अच्छा। उनको कहा जाता था दीवान जी, और उनकी सिफारिशें बहुत काम करती थी अंग्रेजों के साथ जी। कल्लात एक आजाद स्टेट थी। आपको पता है पाकिस्तान बन जाने के बाद पहले तो सारे बलूचिस्तान के इलाके ने, खल्लात ने ऑफर की थी जवाहरलाल नेहरू को कि हम हिंदुस्तान को ऑप्ट करना चाहेंगे। अच्छा। इस सारे इलाके ने, सरहद बलूचिस्तान के सारे पठान, इनके लीडर होते थे सरहदी गांधी, अब्दुल समद खान, ये गांधी जी के चेले थे, कदर पहनते थे, इनको मेरी आंखों ने भी बाद में देखा है। अच्छा। और कदर की टोपी पहनते थे और दाढ़ी रखते थे, मुसलमान थे, बाकी पठान लीडर थे, लेकिन इनका स्टाइल जो है वो बिल्कुल सादगी पसंद जिंदगी बसर करते थे। इनका बड़ा असर और रसूख था पठानों पर, उनकी वजह से सब पठानों ने और इस इलाके के सब लोगों ने, बलूचिस्तान ने, सरहद ने, और तो और पंजाब के में जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उस वक्त, मुस्लिम लीग का कोई बड़ा जोर इस इलाके में नहीं था। अच्छा। और सारे इलाके ने
कांग्रेस के साथ वोट दिया था, और खास तौर से कल्लार जो बहुत बड़ी रियासत है, रियासत थी पाकिस्तान की, उसके आजाद नवाब ने सदर अयूब खान के जमाने तक सरेंडर नहीं किया था। अच्छा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पेशकश को कबूल नहीं किया जी, इसलिए कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, कोई लिंक नहीं था कि हिंदुस्तान अगर ले भी लेता है लात को, यानी इलाक उसका कर लेता है, तो उसको गवर्न कैसे करेगा। बहरहाल बचपन में एक प्राइमरी स्कूल होता था जी, और एक छोटी सी अस्पताल भी थी। अंग्रेजों का नज्म व नस्क अजीब गरीब किस्म का था, दूर दराज इलाकों में वहां बलूचिस्तान के भी इन्होंने सड़कें बना दी थी, और उन सड़कों पर ट्रक भी चलते थे और बस भी रोज आती थी लोराडाई से, जो हमारा जिला था जी। और उस बस पे जब हमारे घर के पास रुकती थी या तहसील में रुकती थी, तो हम बच्चे चढ़ जाते थे, और वो बाजार में जाकर उसका स्टैंड था, वहाँ उसका अड्डा था, तो हम वहाँ बाजार से घूम घाम के आते थे। बहरहाल मैं 4-5 साल का था, मुझे एक वाकया याद है जी। स्कूल में कंपटीशन हुआ करते थे और बच्चे दौड़ लगाते थे, मुकाबला होता था, इनाम मिलते थे, चबन नहीं, दबन नहीं, अटन्नी, इसी तरह बड़ी चीजें होती थी, और तो और अटन्नी बहुत बड़ी चीज थी जी जी। तो एक बार एक दौड़ते हुए तेजी से मैं काफी आगे था, और मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया, और नदी तक भागना था, मेरे सर से खून बहने लगा। मुझे याद है मेरे बड़े भाई मुझे उठा के अस्पताल में लाए, जहां मुझे 4-5 टीके लगे। एक मुद्दत तक मेरे माथे पर वो निशान रहा, बल्कि पहले पासपोर्ट में यही रखा हुआ है बर्थमार्क, यानी जी साइन ऑन द फोरहेड जी। बहरहाल मैं पढ़ाई मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन अपने मास्टर का नाम याद है, अब्दुल अजीज। वाह, अब्दुल अजीज साहब। तो बहरहाल जब इम्तिहान हुआ तो मैं इम्तिहान से बहुत डरता था, बहुत डरता, छोटा सा था जी, और कोई समझाने वाला मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं डरता हूँ। बहरहाल मैं भाग गया, मैं इम्तिहान हो रहा है, एक एक बच्चे का बुला बुला के मौलवी साहब इम्तिहान ले रहे हैं, और या पास कर रहे हैं या लिख रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। मैं भाग गया, और हमारे घर के पीछे पॉलिटिकल एजेंट का एक बागीचा होता था। अच्छा। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रहता था हर तहसील में, और बागीचा क्या था साहब, वो तो बहिष्ट का नमूना था। वाह। उसमें तालाब था, तालाब के किनारे स्ट्रॉबेरी पहली बार मैंने वहां खाई। वाह वाह। चारों तरफ अंगूर की बेलें लटकती थी, नाशपातियां लटकती थी, शफ्तालू लटकते थे, सेब लटकते थे, तरह तरह के आलूचे, आलू बुखारे, उतना फल पेड़ों पर लटकते हुए पका हुआ, यानी बाहर के मौसम के बाद सर्दी तो कड़ाके की पड़ती थी, मैंने कहीं नहीं देखा। खैर जब मैं छुप गया तो मेरे बड़े भाई से कहा गया, वो चौथी जमात में थे, मैं पहली में था, कच्ची कर चुका था, तो भाई उन्हें लाओ, घर भाग गए। तो उन्होंने कहा मुझे पता है वो कहाँ होंगे। अच्छा। उसने जाके बागीचे में जहाँ बेलों में मैं छुपा हुआ था, उन्होंने जाके मुझे पकड़ लिया। अच्छा। और अपने
कंधे पर बिठा कर मुझे या शायद उंगली पकड़ कर वो मुझे अपने साथ स्कूल लाए। अच्छा। और मास्टर साहब ने एक सबक पर उंगली रखी और कहा पढ़ो, और मैंने पढ़ना शुरू किया, आंखें बंद कर ली और वो सारा सबक मुंह जबानी सुना दिया। अच्छा। और मौली साहब ने मुझे थपकी दी, कहा पास, न सिर्फ पास बल्कि अव्वल। वाह। बस उस दिन से किताब का डर मेरे दिल से निकल गया और किताब मेरी रफीक और दमसाज बन गई और पढ़ाई में हमेशा फिर उसके बाद मैं अव्वल आने लगा। चार जमात तक मैं वहां पढ़ा। अब ये भी एक दिलचस्प कहानी है कि वहां से हम अपने आबाई वतन लिया। गर्मी की छुट्टियों में 3 महीने की छुट्टियां होती थी और कैसे आते जाते थे ये कनेक्शन में आपको फिर सुनाऊंगा जी। लेकिन तहसील अंग्रेज कैसे चलाता था, जो हाँ पॉलिटिकल एजेंट का बंगला था पीछे और बगीचा था वो रहता नहीं था। जिला हेडक्वार्टर यानी लोरालाई में रहता था और इस सारे इलाके में वो बारी बारी हर जगह जाता होगा। और हमारी तहसील में एक जो तहसील का सदर दफ्तर था उसमें जाहिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुहासिबी और वालिद साहब सब ट्रेजरी ऑफिसर थे, यानी तहसीलदार के साथ काम करते थे। और उस वक्त उनको कहा जाता था खाजन जी, यानी खजानची। अच्छा। और खजाने की चाबियां वालिद साहब के पास होती थी। ठीक है। यानी डबल लॉक भारी काफी, और तहसील का दरवाजा इतना बड़ा भारी मोटी लकड़ी का, उसके ऊपर सीखें लगी हुई हैं और सीख की कीलें लगी हुई, और एक छोटी सी खिड़की खुली रहती थी जिसमें हम आते जाते थे। सिर्फ वालिद के दफ्तर में टेलीफोन था। अच्छा। वाह। क्योंकि उनकी एक एडिशनल ड्यूटी थी कि पोस्ट ऑफिस भी उनके पास था और वो खड़े वाले टेलीफोन हुआ करते थे जी। आपने तस्वीरें देखी होंगी जी जी, जिनमें रिसीवर लटकता रहता था जी। ये अंग्रेज की चीजें, यानी लंदन का सब साजो सामान कहाँ कहाँ कोस्तानी इलाकों में पहुंचा पाता जी। अंग्रेज 3 लड़ाइयां लड़ चुका था अफगान वार के नाम से, तारीख आप पढ़िए तफसील मालूम हो जाएगी जी। और तीनों में वो अफगानों को यानी पठानों को जेर नहीं कर सका था। तो उन्होंने ये हिकमत अमली डिप्लोमेसी इख्तियार की बलूचिस्तान में कि इतने बड़े इलाके में किस तरह कब्जा रखा जा सकता है। तो वो इनको जो वजीरिस्तान का इलाका है और सारे पठान ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब का हेडमैन होता था उसको रुपयों की थैली दिया कर, बजाय इसके कि वो खिराज थे तो कुछ कमाते नहीं थे जी। हर पठान के कंधे पर एक बंदूक होती थी और आपको मालूम है कि जंग में तो वो यानी उनको हराना आज किसी के पास की बात नहीं जी। आज तक तो अफगानों को पूरी तरह से आपको तो पता है ये तालिबान वाला मामला बिल्कुल 30-40 साल से जी जड़ के जमाने से चल रहा है। बहरहाल वो उसको कहते थे जिरगा। जिरगा का मतलब है पठानों की बड़ी पंचायत। अच्छा। तो पॉलिटिकल एजेंट आता था, उसकी फोर्ड गाड़ी थी नीली छोटी सी। वाले साहब से एक बार मैंने कहा, और 6-7 साल कहूंगा, कि एक ऐसी गाड़ी हम क्यों नहीं खरीद सकते।
वाले साहब ने कहा कि ये 500 रुपए में आती है। वाह, और गौर कीजिए, फोर्ड मोटर जी 500 रुपए, 500 रुपए रुपए की हैसियत उस वक्त बाद की अशरफियों से भी ज्यादा थी जी। और ये रुपया पूरे अफगानिस्तान में भी चलता था, अंग्रेजी सिक्का पूरे बलूचिस्तान में भी, और तो और मस्कत, ओमान और यूएई इन बाज आबादियों में भी अंग्रेजी सिक्का चलता था। बहरहाल, और उस पॉलिटिकल एजेंट, हाँ, पोस्ट ऑफिस का फायदा मुझे ये हुआ, सारी डाक वाले साहब के पास आती थी। अच्छा। और फिर हर घर आता था, ले जाता था अपने थैलों में, सब सरकारी थैले अंग्रेजी भाषा के प्राप्त किए जाते थे। और उस जमाने में पब्लिकेशन डिवीजन जो है दिल्ली का, आज जिसमें बाद में जोश मली आबादी एडिटर रहे आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने पहला एडिटर उनको बनाया था, तो दो रिसाले आते थे उर्दू के। अच्छा। नहीं नहीं एक पश्तो का नन प्रोन। अच्छा। और नन के मतलब है आज और प्रोन का मतलब कल। अच्छा। और उर्दू में उसका नाम था आजकल। ठीक है। ये थे तो अंग्रेजी प्रोपेगंडे के लिए और क्लास में ये थे तो प्रोपेगंडे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिसाले अदबी होते गए जी। और अदब का शौक मुझे इन रिसालों से, और फूल भी आता था पंडित के पंडित, और गुंचा भी आता था जी। और ये सब रिसाले मैं पढ़ता था वारिस साहब की, यदि पोस्ट ऑफिस चलाने की रियायत से जी। और जिसकी वजह से मुझ में थोड़ा बहुत अदबी शऊर हुआ। तो 3 साल या 4 या मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे इतना पता है कि प्राइमरी स्कूल मैंने मूसा ख्याल से पास किया। अच्छा। अब मूसा ख्याल से अच्छा उस तहसील में कुछ मकानात भी थे, दफ्तर भी, दफातर भी थे। हमारा मकान तो बाहर था, इसमें बागीचे से लगा हुआ जी। हम अपने रोशनदानों से बागीचे को देख सकते थे जी। और तहसील के अंदर मकान होंगे तहसीलदार के और दूसरे बड़े अफसरों के। और वाले साहब को पाकिस्तान की डोमेसाइल शिप मिल गई थी वो मतवाल चंद की वजह से, जो दीवान थे कल्लात के, नवाब कल्लात की सिफारिश से। और वारिस साहब की तनख्वाह होती थी 60 रुपए। अच्छा। दिल 60 रुपए उस जमाने में, गोया के आज के 60,000 के बराबर। बिल्कुल। और बल्कि इससे भी ज्यादा ज्यादा, जिससे सारा घर बार चलता था। और हम उस वक्त तो 6 भाई बहन थे, नहीं 7-8 भाई बहन थे। अच्छा। और वालिद हमारी कुल, हम 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और 10वें यानी छठे भाई की पैदाइश 1947 में हुई, बाद में पश्चिम में, वो जिक्र मैं बाद में करूंगा, कोयटा के पास जी। तो अब इस इलाके से गर्मी की छुट्टियां जब होती थी 3 महीने हमें, तो आबाई वतन बन जाना भी जरूरी होता था जी। वाले साहब भी छुट्टी ले लेते थे और हमारा पूरा खानदान 3 महीने के लिए आबाई वतन जाता था। और ये हम कैसे जाते थे, क्या रास्ते अख्तियार करते थे और कितना इसमें वक्त लगता था, कभी डेरा गाजी खान और मुल्तान होते हुए बस के सफर से जाते थे लहिये तक, और कभी
बाद में हम जब क्वेटे के करीब ट्रांसफर हो गया, और वो मैं अगली किस्त में बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हम ट्रेन, क्वेटे से ट्रेन चलती थी सीधी, वाह। और उस ट्रेन से हम मुल्तान तक आते थे, फिर दूसरी ट्रेन लेकर मुल्तान से जो डेरा इस्माइल खान तक जाती थी, उसमें कोटद्दू के बाद करोड़ और शादलिया वाह। उसके बाद आता था। ये सारी तफसील मैं आपको अगले किस्त में बताऊंगा। जी ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन एक वक्फा। जनाब, बहुत सी गुफ्तगू की हैं, बहुत से लोगों से मिला हूँ और बहुत से अदीबी लोगों से मिला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब मैं गोपीचंद नारायण साहब का जिक्र कर रहा था, कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला है, जब पहला किया था मैंने, तो मैंने कहा था कि वो भीष्म पितामह हैं। तो शायद आपने ये महसूस किया हो, जो बड़े गौर से मेरे मुझे ही देख रहे थे, सुन तो उन्हें रहे थे लेकिन देख वो मुझे रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन्हें बीच में टोक के कुछ पूछ लूं। शायद जब जब एक सदी बोलती है ना, तो वक्त भी रुक जाता है। तो हम तो कुछ कतरे हैं, तो मैंने चुपचाप सुनना इन्हीं बुजुर्गों से सीखा है। और कितना कुछ अंदर है इनके, कितना कुछ ये बताना चाहते हैं और कितना कुछ बता गए हैं। और मुझे मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में ये वाली बातें सुन के खुशी हुई होगी, क्योंकि इनके बारे में दुनिया ये तो जानती है कि ये हिंदुस्तान के अजीम शायर हैं। दुनिया ये भी जानती है विकिपीडिया पे पढ़ के कि ये जनाब बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं, और दुनिया ये भी जानती है कि ये पद्मश्री हैं, और दुनिया ये भी जानती है कि ये रेखता के जाने माने एक एक इकलौते ऐसे शायर हैं जिनके लिए एक अलग से स्टेज बनती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोपीचंद नारंग साहब होते हैं और दुनिया बैठी इन्हें सुनती है। लेकिन वही लोग ये वाली चीज़ें नहीं जानते हैं। तो जनाब गोपीचंद नारंग साहब से जब मैंने आज की गुफ्तगू के लिए वक्त मांगा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि क्या बात करेंगे, तो मैंने उन्हें कहा था कि जनाब हम वो बातें करेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है, और क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें तो सारी सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन वो बातें जो सरहद पार के लोग भी सुनना चाहते हैं और सरहद आर के लोग भी, वो कुछ ये बातें हैं। और इसीलिए जब उनका फ़ोन आया तो मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि अच्छा, मैं आपको बिहाइंड कैमरा कुछ एक बातें हुई थी वो बता देता हूँ। मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं टाइम नहीं बताऊँगा, जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करने से आधा घंटा पहले जब मैंने इन्हें कॉल किया कि जनाब हम आज बात करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिर जब मैंने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने कहा कि आज नहीं। तो मैंने इन्हें बड़ी मायूसी, मुझे मायूसी हुई थी तो मेरे दिल से एक आह सी निकली थी, मैंने कहा कि आज थोड़ी सी कर लें प्लीज़। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो करते हैं। तो मेरी तो दिवाली बन गई, आपकी ईद हो गई। और अभी इन्होंने जब एक चैप्टर छेड़ ही दिया है, तो अगले चैप्टर का इंतज़ार करिए। तब तक
एंजॉय कीजिए और बताइए दुनिया को कि हम लोग गोपीचंद नारंग साहब के बारे में बातें सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में। शुक्रिया।